नमस्कार भैया बहनी, अपना पंजे देख रहे हैं विराट के पखेली बुलेटिन पूजा के साथ। SC ST OBC और अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा इकाई रीवा रैली निकाल के स्थायी निकाय के निर्वाचन माही आरक्षण के मांग कर इन्हीं बैठ अपने का बताया दें कि कांग्रेस नेता कहीं के सर्वोच्च न्यायालय स्थानीय निकाय के निर्वाचन में ही OBC का आरक्षण समाप्त कराए के आदेश पारित करें, जबकि उनके संबंध में याचिका दायर नहीं की गई रही। साथ ही यह कहें कि BJP और RSS मिल के OBC का चुनाव से बाहर कराए के षड्यंत्र रचिन है। वहीं सरकार के बेरुखी के कारण चुनाव आयोग OBC के सीटन का सामान्य घोषित करके चुनाव के आदेश दे रहे। पर हम तब तक आंदोलन में डटे रहा जब तक के चुनाव में OBC का आरक्षण नहीं दिन जाए। अपना पंचे सुनी कांग्रेस नेता के का कुछ कहा है। नारी गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर जिस तरह से मध्य प्रदेश के चुनावों में सरकार की उदासीनता से OBC के वर्ग को चुनाव से वंचित किया जाने का षड्यंत्र BJP और RSS के लोगों द्वारा किया जा रहा है, उसी के तहत आंकड़े प्रस्तुत नहीं करने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने OBC आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की, आदेश दिया, लेकिन सरकार की उदासीनता ने सरकार के आंकड़े पेश नहीं करने के कारण और सरकार की मंशा के अनुसार OBC आरक्षण को समाप्त किया गया है। रीवा माँ महानगरन के तर्ज माँ कई थे हुक्का बार संचालित हो लाहमा, जहाँ रहीस जादन के खासी भीड़ इकट्ठा होती बै और संचालक न तो कोनो मेर से प्रशासन के गाइडलाइन के पालन करा और ना ही लाइसेंस से ले आई। एक बाद कारोबार जम के फलत फूलत ला हवे। ऐसने एक हुक्का बार में पुलिस और प्रशासन के आबकारी टीम मिल के कार्रवाई करें। मामला दहाई ड्राइव होटल के आए, जहां हुक्का बार चलत रहा है, जौन गायत्री मंदिर रोड में संचालित हवे। यह बताबा जा रहा है कि शिकायत मिली रही कि हुक्का बार संचालक अवैध कारोबार कर रहा हमा, जोने के सूचना पौता है पुलिस आबकारी और नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला पहुंचे, जहां भगदड़ मची गई। वही मौका पर पुलिस 15 हुक्का जब्त करी और संचालक के खिलाफ निकोटीन एक्ट के धारा में कार्रवाई की गई। अपना कहो बताओ चली के शहर में ये दिना कई एक होटल संचालक छत में अपने हुक्का बार संचालित कर रहे हैं, जहाँ कई एक मेयर के अवैध गतिविधि संचालित होत रहा थी वे और मंचलन के जमावड़ा लगा रहा था वे। रांची से रीवा का जोड़े वाली नेशनल हाईवे नंबर 39 एक दुई नहीं बल्कि पिछले 20 सालन से एक पहेली और चर्चा के विषय बनी है। कांग्रेस और BJP दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाए रहे हम, पर 20 साल से बने वाली सड़क आज तक नहीं बन पाई। रोड की हालत अजो खराब ही पे। वहाँ सीधी से ग्रौली सांसद रीति पाठक अपने पहले कार्यकाल से सीधी से ग्रौली 4 लेन के बनावे खातिर जद्दोजहद कर रही, लेकिन दोबारा सांसद बने 3 साल बीतगा। 8 साल से कोशिश जारी है पर नतीजा शून्य हवे। पिछले 20 सालन से कई एक बेर वादा कीनगा लेकिन सड़क नहीं बन पाई। 10 साल पहले एक बड़ी कंपनी सीधी से ग्रौली के 4 लेन के टेंडर ले रही और कुछ साल बाद वह कंपनी काम का अधूरा छोड़ के चली गई। 2.5 महीना पहले 8 अक्टूबर का भूमि पूजन भा पर अब तक काम नहीं शुरू भा। वहीं विराट की टीम सीधी से बरगमा तक के पूरा मुआयना करे। 5 दिन पहले गोपत पुल जो सीधा रपटा हवे ओखे नीचे वाहन गिर जाए से बड़ा हादसा होगा, जोने में 2 जने के मौत हो गए। डेली गाड़ी तोड़ फोड़ कर रही रोड आज 10 साल से ऐसी है, कहीं भी कांकर मट्टी भी नहीं डाल रहे हैं, गड्ढे पे गड्ढे हो जा रहे। जो कॉन्ट्रेक्टर है उन्होंने मुझसे 1 महीने का टाइम मांगा था अपने चीजों को सेटअप करने के लिए, कुछ मशीनरीज को लाने के लिए। 1 महीने का टाइम उनको मिल चुका है, 15 से 20 दिन का टाइम आप समझ रहे हैं कि ये पितृपक्ष चल रहा है और इस समय में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं शुरू करते रूप से, क्योंकि 7 को बैठकी है, सभी लोग व्यस्त रहेंगे। इसलिए ये मेरे मन में है कि 8 तारीख का समय उचित रहेगा। माननीय विधायक से भी मेरी चर्चा हुई है और हम सब मिलकर इसका भूमि पूजन करेंगे और इस रोड की शुरुआत। आपको मैं बता दूं कि रोज इस सड़क पे अब तो अल्टरनेट मार्ग भी खत्म होता जा रहा है इस जिले का, और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय नितिन गडकरी साहब जो कि इस देश के सबसे अच्छे मंत्री माने जाते हैं, कि उनके मंत्रालय में इस देश में लगभग बताया जाता है कि 14 किलोमीटर प्रति घंटे से सड़कें बन रही हैं NHAI की, लेकिन वह भी इस NH-39 के मुद्दे पर जाकर चुप हो गए। उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनके खिलाफ उनके ही पार्टी का
मंत्री बोल रहा है, यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ये वो के नाम पे सांसद जी ने कितनी बार भूमि पूजन किया और जब जब भूमि पूजन किया है तब तब इस रोड की और दुर्दशा हुई। बुलेटिन की अगली खबर माही दुबई मनगवा के रहने वाले सुभाष मिश्रा बीरेन कुशवाहा जे गुड़हर रेलवे स्टेशन के पास के रहैया ही उनका 2,10,000 रुपया के कर्जा दिए रहे, लेकिन पैसा लौटावे से वीरेंद्र कुशवाहा मना कर दिन। पर जब सुभाष मिश्रा अपन पैसा खातिर वीरेंद्र कुशवाहा के लगे गए तो पैसा लौटावे से मना कर दिन, साथ ही वो सुभाष मिश्रा के ऊपर अवैध तरीका से पैसा वसूले के आरोप लगा दिन। क्या शिकायत लेके? वो मेरे एक व्यापारी है वीरेंद्र कुशवाहा नाम का, वो मुझसे जो कपड़े की दुकान खोला था पैसा लिया था। कितना लिया था? 2,10,000 रुपये। कहाँ पे दुकान है? क्या है ये? मनगमा बाईस जनपद के नाम। हाँ, तो अब क्या हुआ? अब वो ये हुआ है, मतलब वो एसबीआई की शिकायत करने आया, मतलब वसूली टाइप का करते हैं, पैसा मांगने जाते हैं। तो आपको उसने आरोप लगाया कि आप 5,000-3,000 रुपये दिए? हाँ जी, हाँ जी। जब इन्होंने अपना पैसा मांगा तो मतलब ये बताया कि यानी हमसे वसूली कर। आपके खिलाफ कुछ शिकायत वगैरह भी किया है एसबीआई में? आवेदन दिया है, आवेदन दिया है। आज आप आए हैं, क्या रहा है, क्या बात हुई है आपकी? हम भी आवेदन दिए हैं कि भाई गुंडा टैक्स बोलता है लेता है, हमारे पास सब कुछ है, रिकॉर्ड दिया हूं, सब कुछ है, मैं लगा दिया हूं, बात किया व्हाट्सएप में, जो पैसा ट्रांसफर किया ऑनलाइन वो भी है, सब लगा के दे दिए। क्या नाम है आपका? सुभाष मिश्रा उर्फ दादू। ठीक। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी रीवा के कॉफी हाउस में ही पत्रकार वार्ता के आयोजन करी, जोने माही मध्य प्रदेश में होए वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खातिर मुखिया शिवराज सिंह चौहान के आरोप लगाई कि वो लोकतांत्रिक और संवैधानिक कार्यप्रणाली के अवहेलना कर रहा हम। रोस्टर व्यवस्था के जरिए चले वाले चुनाव में सब लोगन खातिर आरक्षित श्रेणी उम्मीदवारन का लाभ मिले ऐसा व्यवस्था पहले से रही है, लेकिन जोने प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जल्दबाजी में आए के चुनाव करावे चाह रहा हम, ऐसे जो पिछड़ी जाति के उम्मीदवार हैं वो काफी भ्रमित हम। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा तो उसको अगर आपको पिछड़ों से कहीं न कहीं आपकी सहमति है या पिछड़ों पर आपका भरोसा है तो आप न्यायालय जाते हैं। आप न्यायालय ना आप जा रहे हो और जो दूसरा जा रहा है न्यायालय उसको तमाम से तर्क। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में राज्य निर्वाचन आयोग उस तरीके से काम करना नहीं चाहता, क्योंकि चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का काम है, पर व्यवस्था बनाना, उसको रोटेशन करना, रोटेशन की प्रक्रिया के तहत चुनाव की विधि सम्बद्ध व्यवस्था बनाना, ये राज्य सरकार का काम। आपकी नज़र? नहीं नहीं, हमारे नज़र में सरकार दोषी है। मैं नाम न्यायालय का नाम ही नहीं मेरे पास है, न न्यायालय का नाम है, न हमारा और है, मध्य प्रदेश की सरकार और उसके विपक्षी दल दोनों दोषी है और तबाही की ओर ले जा रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति का क्या होगा, जिसको भगवान माना, जिसको एक महीना पहले आपने कहा कि हम इनको गौरव दिवस मना रहे हैं, गौरव दिवस में अरबों रुपये खर्च किया, उनका विचार होगा क्या होगा? मैं तो उनकी वकालत कर रहा हूँ। हो विधि सम्मत हो विधि विरुद्ध न हो, अगर रोटेशन से चुनाव होता तो इसमें सबको अवसर मिलता। 7 वर्ष अभी जो सरपंच रह गया, 7 वर्ष जनपद अध्यक्ष रह गया, 7 वर्ष जिला का अध्यक्ष रह गया, अब अगर आप कहते हो कि फिर वही होगा और पिछला 14 से होगा तो फिर मतलब जीवन पर्यंत आप सर्टिफिकेट लिख रहे हो, उन्होंने तो अवैध कमाई की होगी तो चुनाव लड़ लेंगे। पर जो मनसा बनाकर आप 2 साल से जनता के बीच जाकर पैठ बना रहा था और वो चाहता कि बदलाव हो जाए, ईमानदारी से चुनाव हो जाए, उसके लिए तो ये घातक परिणाम है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि चुनाव हो मगर विधि सम्मत हो, विधि अनुरूप हो, कानून के अनुरूप हो। कानून को आप टेढ़ा मेढ़ा करके ये जो चुनाव करा रहे हैं, हम इसके विरोध में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जन जागरण कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य जो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारा विंध्य प्रदेश अलग हो। भैया बहनी आज खातिर दे इजाजत, काल पुनः उपस्थित हो बघेली बुलेटिन में। नमस्कार।